So yes, let's get into the attack, and he's using four ice golem, three ice. Oh, what? Bro, hello. Excuse me. 10 bad spells, four ice hounds, three ice golem. What the? This is going to be something crazy, super crazy. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, एक्साइटिंग, सुपर एक्साइटिंग एंड कुछ आउट ऑफ द अर्थ लोग देखेंगे आज जो इस धरती से बिलोंग नहीं करते। सो बेसिकली वी गोना सी सम अमेजिंग अटैक्स टुडे एंड लेट्स सी क्या मतलब किस तरीके के अटैक्स किए। सो बेसिकली आज की वीडियो की स्पेशलिटी ये रहेगी कि कुछ ओवर रेटेड अटैक्स देखेंगे, कुछ ओवर किल अटैक्स देखेंगे, साथ में कुछ हाइब्रिड एंड बहुत सारे अटैक्स किए गए आज के वॉर में। सो ओवर किल दो दो तीन तीन चार चार स्पेल के स्वैग के साथ किए गए अटैक्स आज हम देखने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना, इट इंस्पायर्स मी अलॉट एंड आपका एक लाइक बहुत कुछ मैटर करता है। सो यार प्लीज कर दो यार लाइक। सो लेट्स गो, पहले अटैक की तरफ चलते हैं एंड आज हम जितने सारे अटैक्स देखने वाले हैं बहुत क्रेजी अटैक्स देखने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सो ये जो मीडो है अभी जो करंटली अटैक कर रहे हैं, इनके दो अकाउंट्स इस वॉर में खेल रहे थे, इन्होंने दो अटैक किए इस वॉर में, दोनों सुपर क्रेजी। सो आप पहला अटैक देख रहे हैं इनका जो कि किया गया था पिक्का बो बैड, जो कि स्ट्रैटेजी बहुत कम लोग TS-13 पे यूज करते हैं, मतलब कम क्या मतलब बहुत कम मतलब लगभग नहीं करते हैं। अभी तो सुपर विजर्ड के बाद पेक्का सुपर विजर्ड करने लगे, बट ए डिसेंट पेक्का वो बैट आजकल नहीं देखने को मिलता। सो इन्होंने पेक्का वो बैट अटैक स्ट्रेटजी के साथ अपने पेक्का बोलर स्कोर में यहाँ पे इंसर्ट आउट कर दिए, जिसके चलते दोनों स्कैटर शॉट कोर पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। एक साइड से इन्होंने रॉयल चैंपियन डिप्लॉय की थी एंड एक साइड से बैट्स डिप्लॉय कर दिए, जो कि अभी यहाँ पे मतलब लाइक 3 o'clock से हमको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट देखने को मिली। एंड स्वाइप के थ्रू आउट इन्होंने कंपार्टमेंट वाइज प्लान किया था इस बेस पे, आखिरी जो विजर टॉवर यहाँ पे बचा हुआ था वो रॉयल चैंपियन से प्लान था, बट रॉयल चैंपियन यहाँ पे मर गई। सो बैट्स ने वो क्लियर कर दिया एंड एट द एंड विद इन टाइम क्लियरेंस था इनके पास। सो इन्होंने गॉबलिन वगैरह कुछ क्लियरेंस के लिए रखे थे, जैसे हम पेका वो बैट में रखते हैं एट द एंड हमारे बैट्स मर भी जाते हैं तो हमारे पास क्लियरेंस होता है, एंड एक स्निकी गॉबलिन भी था जिसके चलते पूरा बेस जो है विद इन टाइम क्लियर आउट हो गया। दिस वॉज क्रेजी अटैक। इसके बाद हम एक अमेजिंग सुपर क्रेजी अटैक देखने वाले हैं, इन्हीं का अटैक था। सो बेसिकली इस वॉर में अगर आप देख पा रहे हो हमने जीत ली थी, 37 स्टार्स थे एंड मिडो आपको दो दिख रहे हैं, सो मिडो क्वेश्चन मार्क एंड मिडो। सो बेसिकली मिडो ने अटैक किया था 9 नंबर के प्लेयर पे एंड ये जो अटैक था, ओह माय गॉड, दिस वाज समथिंग क्रेजी। चार आई साउंड, 10 बैट स्पेल्स, आई वॉज स्पीचलेस। सो ये अटैक जब मैंने पहली बार देखा था आई वॉज लाइक कि भाई ये क्या किया इसने। सो ये जो अटैक था इसका प्लान यहाँ पे देखिए। सो बेसिकली बेस को इसने जज किया, देर इज नो मल्टी टारगेटिंग इन्फो ऑन दिस बेस एंड जो विजर टावर थे सिर्फ उसी का इसको टेंशन था एंड ऑल्सो जो मतलब लाइक एक्सबो हमको दिख पा रहे हैं जो दो एयर टारगेटिंग है वो कोर की तरफ है, सो उन्हीं दो एक्सबोज का उसको टेंशन रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा। ऑल्सो सीसी का टेंशन था, सो वो भी यहाँ पे मतलब भाई ने पहले ब्लिम डिप्लॉय की, विद द ब्लिम ही गॉट दैट कैरेक्टर शॉट, वन विजर टावर। विजर टावर मीन्स अलॉट ऑन दिस अटैक, सो या लाइक कि विजर टावर भाई को मिल गया। उसके बाद में ही डिप्लॉयड वन वैलकरी फॉर दैट हेड हंटर्स, बट हेड हंटर्स को क्लियर नहीं किया वैलकरी ने एंड विच को विच के स्केलेटन्स को क्लियर किया, बट एक्चुअली ही गॉट टू पॉइजन स्पेल्स विथ हिज आर्मी कॉम्पोजिशन, तो जरूर इसको लाइक दो पॉइजन के साथ तो भाई कोई भी सी सी आता, सुपर मिनियन हेड हंटर या फिर कोई भी सी सी आता तो उसको दो पॉइजन के साथ तो जरूर मिल जाता। सो यस इसको वो सी सी यहाँ पे मिला। उसके बाद में इसने जो सुई हीरोज की है ही डिड दैट सुई फॉर एनिमी टाउन हॉल, सो एनिमी टाउन हॉल भी मिला। एनिमी का बारबेरियन किंग यहाँ पे बिट वरीड था, बट एक हेड हंटर्स के चलते बिल्कुल क्रेजी वहाँ पे इसको मिल गया। उसके बाद में जो बैटिंग स्टार्ट करेगा ना गाइस, लुक एट दोस बैट्स, 10 बैट स्पेल्स एंड होल बेस गोट वाइप्ड आउट। लेट्स सी, सो टाउन हॉल यहाँ पे टेकआउट हो जाएगा। रॉयल चैंपियन यहाँ पे एबिलिटी के साथ जितना कुछ क्लियर कर सकती थी उतना क्लियर कर दी, प्रोबेबली इनका टारगेट था दैट सेकेंड स्कैटर शॉट, बट सेकेंड स्कैटर शॉट ही डिडंट गॉट, सो इनके पास लाइक 10 बैट स्पेल्स थे, ठीक है। सो ही कुड लाइक जो ऐसे वेव होती है, सो ही कुड वेव दैट बैट स्पेल्स, अदरवाइज ही कुड बॉम्ब दैट बैट स्पेल्स ऑन सम डिफेंसेस। सो या स्कैटर शॉट पे इसने चार बैट स्पेल्स को बॉम्ब किया। उसके बाद में तीन आइस हाउंड जो थे वो यहाँ पे डिप्लॉय किए जस्ट टू टैंक दैट विजर टावर विद विद दैट
आई साउंड, और जो आई साउंड के टैंक का इसको दो एडवांटेज थे क्योंकि जो एयर डिफेंस के पास वहाँ पे विजर टावर, द विजर टावर वॉज रियली क्लोज टू दैट एयर डिफेंस, सो ही गॉट द टैंक, इजी पीजी टैंक. ऑल्सो एक एडवांटेज वाली चीज़ ये भी थी, आफ्टर बस्टिंग दैट लावा हाउंड, आइस लावा हाउंड, ही गॉट दैट फ्रीज इफेक्ट. सो आइस गोलम, आइस विजर्ड, ओ माई गॉड, दिस वॉज सो क्रेजी. मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि इसने कैसे एग्जीक्यूट कर दिया. सो एट द एंड ही लॉस्ट ऑल दोज बैट्स विथ ए रेड माइंड, बट द बेस इज ऑलरेडी वाइप्ड आउट. ओ माई गॉड, दिस वॉज सो क्रेजी अटैक. एंड एट द एंड जो आइस लावा हाउंड फूटे थे उसके लावा पप्स इतने सारे अमाउंट में बचे थे, सो ऑल्सो दैट लावा पप्स इफेक्ट्स फ्रीज इफेक्ट, सो वो भी एक क्रेजी अटैक था. सो I was just speechless. What is this? I mean, this is something next level. Klaus, we can consider it Sasta Klaus. So, mast wala attack tha bro. This was something crazy. So, matlab, what he thought on this base? Ki kaise karenge? How he planned for this base? This was something crazy, super crazy. He's just like, he's god of this game and क्रैक कर लिया भाई ने गेम को. अभी इसके लिए आखिरी लेवल खत्म हो चुकी है इस गेम की, अभी वो अनइंस्टॉल कर देगा. दिस वॉज समथिंग क्रेजी. इसके बाद में हम कुछ ऐसे अटैक्स देखेंगे, नॉर्मल लाइक ट्रेडिशनल अटैक्स बट विद अ ह्यूज स्पेल स्वैग, सो वो अटैक्स देखेंगे. कुछ हाइब्रिड अटैक्स हुए हैं इस वॉर में, सो वो भी देखेंगे. एंड या लाइक नेक्स्ट अटैक इज सुपर विच, जाप सुपर विच. सो इस अटैक में देखने लायक ये चीज थी कि इन्होंने जो छोटे छोटे मूव्स किए वो कितने, मतलब लाइक छोटा एक एक मूव आपका कितना मैटर करता है. सो इन्होंने जो जैब किए वो तो कंफर्टेबली, मतलब लाइक मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो इनको मिला. इनके पास एक नॉर्मल वॉल ब्रेक भी था जस्ट टू टैंक कि वहाँ पे कुछ ट्रैप्स वगैरह हो, जस्ट टू टैंक दो ट्रैप्स, बट वहाँ पे कुछ ट्रैप वो अपने दो सुपर, मतलब एक इन्होंने सुपर वॉल ब्रेक छोड़ा, उसके बाद में नॉर्मल, पहले नॉर्मल वॉल ब्रेक छोड़ा, उसके बाद में सुपर वॉल ब्रेक छोड़ा, स्टिल वहाँ पे जो ट्रैप्स थे वो ट्रिगर नहीं हुए. सो इन्होंने मतलब लाइक छोड़ दी कि वहाँ पे नहीं होगा कोई ट्रैप. उसके बाद में थर्ड सुपर वॉल ब्रेक वॉज सक्सेसफुल, ऑल दो विथ विच हाइब्रिड इन्होंने पूरे बेस को मतलब लाइक खत्म कर दिया. भाई दिस वॉज सो क्रेजी अटैक, ये अटैक देखना यार तुम लोग. सो सुपर विच एकदम कोर में घुस गई, एक साइड से जो ये स्कैटर शॉट था वॉज टैंक्ड ऑन दैट पेका. सो एक जो रॉयल चैंपियन ने डिप्लॉय की थी उसके चलते स्कैटर शॉट भी भाई को मिल गया. एंड दिस वॉज समथिंग क्रेजी, लाइक कि भाई ये पूरा बेस खत्म हो चुका है. दो जंप स्पेल के साथ पूरे बेस को इसने ओपन कर दिया. एंड एट द एंड बहुत सारी विचेस, बहुत सारा स्टफ इनके पास बचा हुआ था. रॉयल चैंपियन अगर इनके पास थी तो अमाउंट ऑफ डिफेंसेस सारे यहाँ पे, मतलब लाइक विथ एबिलिटी रॉयल चैंपियन इनके पास थी. सो जितने सारे अमाउंट ऑफ डिफेंसेस थे एट द एंड रॉयल चैंपियन शील्ड के साथ ही इन्होंने वो भी क्लियर आउट कर दिया. पीछे से नॉर्मल विचेस एंड सुपर विचेस की हाइब्रिड आ रही थी जिसके चलते इनको क्लियरेंस की कोई दिक्कत नहीं हुई. इट वॉज नो प्रॉब्लम एट द एंड फॉर टाइम ऑल दो, क्योंकि नॉर्मल विच अटैक नहीं था, ये सुपर विच अटैक भी नहीं था, विच हाइब्रिड अटैक था. विच हाइब्रिड में टाइम स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. इसके बाद में ये नेक्स्ट अटैक तुम देखना, डॉन प्रशांत इज वन ऑफ द बेस्ट पुशर ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया. एंड ये हमारा, मतलब जो अभी ट्रिपल ए में हम खेल रहे हैं उसी क्लैन में खेलते हैं. इस अटैक में तुम लोग स्पेल का स्वैग कैलकुलेट करना कि कितने स्पेल का स्वैग भाई ने किया है. दिस वॉज मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है, वर्ड ही खत्म हो गया है कि हर बार क्रेजी क्रेजी कर रहा हूं मैं. वो क्रेजी मतलब भाई क्या, मतलब भाई ने तो पूरी तोड़फोड़ दिया इस बेस को. अभी अटैक देखो आप लोग. सो बेसिकली यहाँ पे भाई ने रिकॉग्नाइज किया कि वहां पे एक वॉल ओपन है. सो इस वॉल ओपन के साथ इनको ना ही सुपर वॉल ब्रेक करने की जरूरत है, ना ही कुछ करने की जरूरत है. क्वीन डायरेक्टली वापस से टाउन हॉल वॉक कर लेगी. तो टाउन हॉल इनको क्वीन से मिल गया. बाकी पेक्का बोलर्स जो थे इन्होंने कोर में इंसर्ट कर दिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो इनके यटीज एंड पेक्का थे वो ईगल से, ईगल के पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गए. ठीक है, एट दिस पॉइंट ही हैव क्वीन लेफ्ट एंड क्वीन के ऊपर इनके पास हीलर्स है. इट मीन्स कि दिस अटैक कन्वर्टेड टू समथिंग मिनी क्वीन चार्ज और मिनी क्वीन वॉक अटैक After finish, at the finish. But yeah, still इनके पास एक red spell बचा हुआ है, दो freeze spell बचा हुआ है. So he have four place of freezes. He could use at that point. But भाई को swag important है. Three star important नहीं है भाई को, swag important है. So he could use that red spell. He could use that those two freeze spells. बट स्टिल भाई ने यूज नहीं किए क्योंकि फ्रीज मैटर करता है, क्योंकि स्वैग मैटर करता है. सो भाई ने स्वैग किया एंड तीन स्पेल का स्वैग एक ब्रूटली भाई को, एक
प्रिंसिपल यूज कर देना ही पड़ा, बट एट द एंड ही स्वैग थ्री अमाउंट ऑफ स्पेल्स। इसके बाद में टेंजिल का अटैक, ओ माय गॉड दिस वाज सो क्रेजी अटैक। ये अटैक तुम पूरा देखना, भाई ने हाइब्रिड अटैक किया एंड हाइब्रिड अटैक में हील स्पेल का स्वैग कौन करता है भाई। मतलब आपके माइनर्स हील और हॉग राइडर्स अगर नहीं मर रहे हो भाई, मैं तो डाल देता हूँ यार हील स्पेल अटैक जब खत्म होने लगता है, क्योंकि भरोसा नहीं है भाई। सो ही स्वैग वन हील स्पेल, क्यों कैसे मतलब हाउ, बहुत क्रेजी वॉर हुई यार ये, दिस वॉज सो ओवर किल। इसके बाद में देखना तुम क्लैन कैसल से निकले सिर्फ हेड एंड सुपर मिनियन एक पॉइजन के साथ, वो भी डील हो गए। सो भाई को फ्री स्पेल भी डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ी एट एंड ही हैव मतलब लाइक हाइब्रिड जब इन्होंने स्टार्ट की। ऑल्सो यहाँ पे आप एक चीज देखना, सीज बैरक की प्लेसमेंट भाई ने इस तरीके से रखी, क्योंकि ये जो हॉग रेडर्स है मोस्ट ऑफ द टाइम माइनर्स का जो स्क्वाड है वो छोड़ के बाहर कहीं घूमने लगते हैं। सो वहाँ पे फनल ऑल तो बहुत अच्छी थी जिसके चलते वो हॉग रेडर्स नहीं घूमते, लेकिन इन्होंने फिर भी प्लेसमेंट इस तरीके से रखी थी कि जो हॉग रेडर्स क्लैन कैसल से निकलेंगे वो सीधा हाइब्रिड स्क्वाड ज्वाइन करेंगे एंड एट द एंड जो मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो था हॉग रेडर्स माइनर्स वहाँ पे पहुँचने से पहले ही वहाँ पे रॉयल चैंपियन पहुँच गई। इट मीन्स कि मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो के आसपास इनको हील स्पेल वहाँ पे यूज करने का काम नहीं पड़ा एंड एट द एंड स्वैग वन हील स्पेल्स। आर यू क्रेजी ब्रो, व्हाट द हैक, ये क्या था मतलब, हम यूज करके भी हमसे 3 स्टार नहीं हो रहा है, ये कौन सी गेम खेल रहे हैं ये लोग। हम भी तो यही खेल रहे हैं यार। सो कोई दिक्कत नहीं, फॉर नाउ वंस अगेन ही डिड हाइब्रिड, once again he swagged one heal spell. Are you serious? मतलब once again एक attack देखो, same भाई ने hybrid ही किया and again he swagged one heal spell. And यहाँ पे queen charge देखना तुम, queen charge यहाँ पे start होगा and exactly core में घुस जाएगी queen without any funnel, और मतलब funnel तो किया obviously, without any wall breaks or something. इसने बहुत बहुत crazy attack किया भाई, this was another crazy attack by him. एंड जो क्वीन चार्ज थी उसमें दो एक्सबो टाउन हॉल एनिमी का क्लैन कैसल, आई थिंक क्लैन कैसल, यस क्लैन कैसल भी मिल गया था एट द एंड। कोर में जो मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो था वो भी मिला, उसके बाद में पॉइजन एंड फ्रीज एंड क्लैन कैसल गॉन। उसके बाद में वंस अगेन भाई ने एक साइड से सीज बैरक ड्रॉप किया, बारबेन किंग ड्रॉप किया, फनल ही डिड। उसके बाद में हाइब्रिड इन्होंने स्टार्ट की, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी अर्ली एंड नाइस इन्होंने दे दी। सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो ने क्वीन को यहाँ पे जरूर टेकडाउन कर लिया था, बट हाइब्रिड वॉज प्रेजेंट एट दैट अमाउंट कि बिना हील स्पेल यूज किए वंस अगेन ही स्कोर्ड क्रेजी ट्रिपल। व्हाट द है मतलब, कैसे कर रहा है भाई ये, जिलेट मार्क 3 का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सो दिस वाज समथिंग क्रेजी, लाइक ऐसे साफ कर दिया भाई ने बेस वन हील स्पेल के साथ वंस अगेन, दिस वाज समथिंग क्रेजी। और कुछ अटैक्स दिखने वाले हैं, सो इस वॉर के हम सारे ट्रिपल्स देखने वाले हैं बिकॉज दिस वॉर वॉज क्रेजी 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 सुपर क्रेजी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि इस वॉर के अटैक्स क्रेजी थे, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कितने मतलब इजी पीजी कर दिया भाई ने। आखिरी अटैक हम देखेंगे अक्की भाई का, अक्की भाई ने तो भाई ऐसे अटैक किया मतलब मजाक चल रहा है इलेक्ट्रो ड्रैगन से, एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक 4x2 से कम हम किस स्पीड में देखना चाहेंगे ऑब्वियसली। सो भाई ने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे डिप्लॉय किए, बैडल ब्लिम सीधा टाउन हॉल पे छोड़ दी एंड टाउन हॉल पे यहाँ पे ऑब्वियसली रेज यूज किया। रेज स्पेल में मतलब लाइक ये थोड़ा सा क्लैन कैसल में यहाँ पे मिस आउट हो गए, क्लैन कैसल में इनको बलून्स एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन लेना था बट अनफॉर्चुनेटली यटी उनके सीसी में थे तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई क्यों मतलब हम ईडी ले है यटी तो वही यूज कर लो। सो दिस वाज ऑब्वियसली एफडब्ल्यू, सो मतलब फ्रेंडली वॉर सिनारियो था तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सो मस्त भाई ने पूरा ये भी सेवेज कर दिया, वॉज समथिंग क्रेजी यार, मतलब कैसे भाई कैसे, दिस वॉज सो क्रेजी। एट द एंड चारों हीरोज इनके लाइव थे, इलेक्ट्रो ड्रैगन से लाइव थे, क्लियरेंस बाकी था, दिस वॉज समथिंग क्रेजी। सो ये वॉर यहाँ पे एंड हुई एंड एट द एंड आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना एंड अगर आप ऐसे ही वीडियोज चाहते हो तो ज़रूर हम और वीडियोज बनाएंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वॉर्स हो रहे हैं एट वन एंड। सो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना, सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लाइक कर दो यार भाई, तुम बिना लाइक किए जा रहे हो यार, फिर से लाइक करो यार, लाइक करो, बाय।